सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम लोग जो है कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्याय उप विषय भूगोल प्रकरण कृषि संसाधन एवं भारतीय कृषि। तो यह आपका अगला लेसन है, संभवतः चौथा लेसन होगा आपका। तो आज हम लोगों को जो है कृषि संसाधन एवं भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत जैसे देश में जहां पर लगभग 66% जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर करती है, तो उस देश की कृषि के बारे में जानना है कि भारत में कृषि की प्रकृति क्या है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि भारतीय कृषि जो है वह मानसून पर निर्भर करती है और अभी वह मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है और जो देश में लगभग 3 महीने तक सक्रिय रहती है और 4 महीने वापस होती लगती है अर्थात लौटने लगती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 4 महीने तक जो कृषि के लिए मानसून जो आती है, जो मानसूनी हवाएं आती है, जो वर्षा होती है, वह भारतीय कृषि पर बहुत प्रभाव डालती है। अक्सर देखा जाता है कि जिस वर्ष मानसून अच्छी नहीं होती, भारत में कृषि कार्य जो है अच्छा नहीं होता है, जिस वर्ष मानसून अच्छी होती है, जैसा कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है मानसून काफी अच्छी है, निश्चित तौर पर जो है उत्पादन काफी अच्छा होगा कृषि में। तो इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि प्राचीन काल में देखा गया कि हमारे यहाँ परंपरागत कृषि हुआ करती थी और परंपरागत कृषि के कारण जो है भारतीय कृषि काफी पिछड़ी हुई थी। तो चूंकि ऐसे समय में जो है देखने को यह मिला कि भारत में जो कृषि होती है उस कृषि से हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाते थे, अर्थात हम अपने पूरा खाने के लिए नहीं जुटा पाते थे। तो सरकार ने काफी प्रयास किया और देश में सन 1966 ईस्वी में आप देखेंगे हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के तहत जो है सरकार प्रयास की कि अच्छे से अच्छे जो है प्रयास किए जाए और हरित क्रांति का परिणाम यह निकला कि आप देखेंगे गेहूं चावल सरसों यानी तिलहन दलहन ये खेती में जो है निश्चित तौर पर वृद्धि हुई। और आज आप इतना कह सकते हो कि देश में हरित क्रांति के तहत इतना विकास हुआ कि आज भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरे देशों को अपने खाद्यान्न वस्तुओं का निर्यात भी करता है। तो इन सारी चीजों को देखा गया, यह सिर्फ हरित क्रांति के कारण हुई। हरित क्रांति में उत्तम किस्म के बीज, कीटनाशक दवाएं, तकनीक वाले जो है तमाम जो है औजार, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, ऐसे तमाम जो है कृषि से संबंधित, तकनीक से संबंधित उसके औजार आए और उन औजारों के कारण आप देख सकते हैं कि भारतीय कृषि का काफी जो है विकास हुआ। अब भारत में जो है जो कृषि की जाती है, जैसा कि आप जानते होंगे कि सारे संसार की जलवायु एक जैसी नहीं है और खास करके भारत की जलवायु के बारे में क्या बताया जाए, संसार के सारे देशों की जलवायु भारत में ही पाई जाती है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी जलवायु जैसी हो वैसी भारत की जलवायु कहीं ना पाई जाती हो। तो भारत में तो संसार के सारे देशों की जलवायु पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखें तो भारत में जो है तीन ऋतुएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं और वह शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और जो है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बाद जो है आप पाएंगे कि एक और ऋतु आती है जिसको हम कह सकते हैं वर्षा ऋतु, लेकिन वर्षा ऋतु को संसार में नहीं माना जाता, दो ही ऋतु मानी जाती है। तो हम देखें कि इन तीन ऋतुओं में जो है हमारे देश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनकी क्या स्थिति है, देश उन फसलों के उत्पादन किस प्रकार से कर पाता है। तो आप देखेंगे कि इन तीन ऋतुओं में तीन प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पहला है खरीफ की फसल, आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही जो है खरीफ की फसलों की जो है बुवाई शुरू हो जाती है। इसमें आप पाएंगे जो है कि खरीफ की फसल में जैसे चावल की खेती की जाती है, आप पाएंगे बाजरा की खेती की जाती है, उड़द की खेती की जाती है, ये सारी चीजें जो है आप पाएंगे कि खरीफ की खेती के अंतर्गत आती है। मोटे अनाज में देखें तो उसमें ज्वार है, बाजरा है, फिर उसको बोलते हैं क्या स्थानीय भाषा में सावन, कोदो, तमाम चीजों को जो है देखा जाता है कि खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। इसके खरीफ की फसलों के अंतर्गत जो फसल आती है उनका भारत में काफी उत्पादन होता है, उनका महत्वपूर्ण स्थान है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रबी की फसल के अंतर्गत देखा जाए तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में प्रारंभ हो जाती है। इसके अंतर्गत भी आप पाएंगे कि काफी फसलों की जो है बुआई होती है, जैसे इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं
गेहूं सर्व प्रमुख फसल है, इसके अलावा तिलहन, इसके अलावा जो है आप और सारी फसलों को जो है इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो है जैसे चना हुआ, मटर हुआ, तो ये सारी फसलें जो है ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक जायद की फसल होती है, जायद की फसल जो है वह गर्मी और ठंडी के बीच का जो समय होता है, आप कह सकते हैं कि फरवरी से मार्च का जो महीना होता है उसमें जायद की फसलें बोई जाती है, जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, आज जो है मक्का, आज की ऐसी चीजें हैं, ऐसी फसलें हैं जिनको हम जायद के अंतर्गत रखते हैं। तो इन तीन प्रकार की फसलें जो है कृषि जो है भारत में की जाती है। अब भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, इसका मुख्य कारण यह है कि चूंकि वर्षा हमारे यहाँ तीन महीने चार महीने सक्रिय रहती है और हर जगह जो है क्योंकि कृषि कार्य के लिए नमी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए भारत में जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब सिंचाई की आवश्यकता जब होती है तो उसके लिए अब सर्वथा हमको वर्षा का जल नहीं प्राप्त हो पाता, तो इसलिए सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई, नदियों से तमाम नहरें निकाली गई, नहरों को निकाल करके जो है वह किसानों के खेतों तक जो है नहरें बनाई गई, अब उससे जो है पानी प्राप्त हो जाता है, किसान अधिक से अधिक जो है फसलों का उत्पादन करता है। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में लगभग आप खास करके उत्तर भारत की बात करें तो पाएंगे कि लगभग 35% क्षेत्र पर जो है वह नहरें पाई जाती हैं, और उत्तर भारत की बात कर रहे थे तो आप पाएंगे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है बिहार, झारखंड, ये ऐसी राज्य हैं जहां पर नहरों का जाल सा बिछा हुआ है और इनके द्वारा सिंचाई की जाती है, अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। कारण कि यह ऐसी मिट्टी है, इस क्षेत्र में ऐसी मिट्टी है जहां पर नहरें बनाना आसान है, क्योंकि गंगा और यमुना नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो औषधीय मिट्टी है उसके लिए जो है यह नहरें काफी जो है जीवनदायी सिद्ध हो गई है और काफी उत्पादन बढ़ा हुआ है। इसके बाद आप आएंगे तालाब उन स्थानों पर जो है भारत में पाए जाते हैं जहां पर मिट्टी कंकरीली पथरीली है, जहां पर नहरों की खुदाई नहीं की जा सकती, नहरें नहीं बनाई जा सकती हैं, तो ऐसे स्थानों पर आप देखेंगे तो तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। होता क्या है कि जब वर्षा ऋतु आती है तालाब खोदे गए होते हैं, तालाब भर जाते हैं और फिर किसान जो साल भर उनसे पानी निकाल करके जो अपनी फसलों की सिंचाई करता है। इसी प्रकार से आप आएंगे कुआं, तो कुएं के द्वारा प्राचीन काल में उत्तर भारत में भी कुएं के द्वारा सिंचाई होती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में कुएं के द्वारा सिंचाई ना मात्र की होती है या नहीं होती है। तो आप आएंगे कि कुएं के द्वारा भी भारत से अभी भी सिंचाई होती है, आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो आप आएंगे कि कुएं के द्वारा सिंचाई हो रही है। अब असली क्वेश्चन जो होता है वह यह है कि भारत में उगने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो सर्व प्रमुख फसल के बारे में यदि वार्ता किया जाए तो चावल एक ऐसी फसल है, आप कह सकते हैं खरीफ की एक ऐसी फसल है जिसपे भारत के लोग आश्रित होते हैं। और चावल के उत्पादन में मैं आपको बता दूं कि चावल के उत्पादन में आप पाएंगे कि संसार में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है और इसका अधिक उत्पादन होता है। भारत में तो चावल की कहीं कहीं एक फसलें उगाई जाती हैं, कहीं दो फसलें उगाई जाती हैं और कहीं कहीं पर तो तीन तीन फसलें भी उगाई जाती हैं। और आप पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में जाए तो वहां पर देखेंगे चावल की खेती बहुत ही लाजवाब होती है, बड़ी अच्छी होती है और वहां पर जो है खेत के मेड़े बनाए जाते हैं, उसमें जो है चावल गेहूं धान की रुपाई होती है और इसमें उसमें जो है मत्स्य पालन भी किया जाता है, यानी कृषक एक लाभ नहीं लेता है बल्कि डबल लाभ लेता है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो चावल के उत्पादन में आप पाएंगे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर चावल का अधिकाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा आप पाएंगे गेहूं के उत्पादन में भी भारत संसार में अमेरिका और चीन के बाद जो तीसरे स्थान पर है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रथम स्थान पर भारत में पाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि चूंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है, आप यूं कह सकते हो कि रूस से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है इसलिए यहाँ पर जो उत्पादन होता है तो यहाँ पर
खाने के लिए भी ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश काफी निर्यात नहीं कर पाता है। लेकिन पंजाब इस मामले में सबसे आगे है कि वहां पर गेहूं का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश जितना तो नहीं होता है लेकिन निर्यात काफी किया जाता है। हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है, इन क्षेत्रों में जो है तमाम चीजों को देखने को मिलती है। आप आएंगे कपास, कपास जो है आप आएंगे कि महाराष्ट्र गुजरात राज्य में जो है कपास का बहुत अधिक उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त आप पाएंगे कि कर्नाटक में भी जो है कपास का उत्पादन होता है। क्यों? कपास उन्हीं स्थानों पर उगाई जाती है जहां पर काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। काली मिट्टी के क्षेत्र आप पाएंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र में है। आप पाएंगे कि जहां कपास अधिक है वहीं पर सूती वस्त्र के कारखाने भी अधिक है, क्योंकि कपास से जो है सूती वस्त्र बनाया जाता है तो कारखाने अधिक पाए जाते हैं। इसी तरह पाएंगे जूट का महत्वपूर्ण क्षेत्र आप पाएंगे कहाँ है तो पश्चिमी बंगाल है। पहले बांग्लादेश हुआ करता था जब भारत में था, लेकिन अब भारत का बंटवारा चूंकि बांग्लादेश से हो चुका है तो पश्चिमी बंगाल में जूट का अधिक उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त भारत के कुछ राज्यों में भी जो है जूट का उत्पादन होता है। गन्ना, गन्ना के उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान रखता है भारत में। इसके अतिरिक्त गन्ना का उत्पादन आप देखेंगे तो पाएंगे कि तमिलनाडु में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, बिहार में भी होता है, पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है। तो गन्ना के उत्पादन में भारत संसार में दूसरे स्थान पर है, लेकिन चीनी के उत्पादन में देखा जाए तो संसार में जो है भारत प्रथम स्थान पर है। इन सारी चीजों का जो है देखते हैं कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिससे जो गुड़ बनाया जाता है वह गुड़ जो है एक बनी बनाई भोजन भोज्य पदार्थ है, भोजन है जिसको जो है बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आदमी को जब आवश्यकता होती है तो अपनी तृप्ति कर सकता है, अपनी आत्मा की तृप्ति कर सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है। चाय, चाय की खेती जो है आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होती है। आप पाएंगे कि असम और पश्चिमी बंगाल भारत के दो ऐसे राज्य है जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है चाय की बड़ी अच्छी फसल उगाई जाती है। चाय के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है और निर्यात भी करता है, निर्यात में भी प्रथम स्थान रखता है। तो चाय की फसल, एक बार चाय की जो चाय का पौधा लगाते हैं लगभग 5-6 वर्षों तक वह पौधा चलता है और उससे पत्तियां जो है महिला श्रमिकों के द्वारा या बच्चों के द्वारा जो है चुंगी जाती हैं, क्योंकि इनके हाथ जो है मुलायम होते हैं, पुरुषों के द्वारा तोड़ने पर जो है इनकी पत्तियां जो है चिपचिपी हो सकती हैं, तो इसलिए महिला श्रमिकों के द्वारा बच्चों के द्वारा इनकी पत्तियों की चुनाई होती है। आप देखेंगे कि दार्जिलिंग की चाय जो है सारे संसार में विश्व प्रसिद्ध है, वैसी चाय सारे संसार में कहीं नहीं पाई जाती है। जलपाईगुड़ी में चाय की बड़ी अच्छी जो है खेती होती है। आप आएंगे तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पहाड़ियों की बड़ी अच्छी खेती होती है, तो इन सारे क्षेत्रों में जो चाय की खेती होती है। इसके अलावा आप पाएंगे रबर, रबर की खेती जो है केरल, केरल राज्य में रबर की खेती जो है बड़ी अच्छी होती है। प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है पौधों से, पौधों के रबर का जो पौधा आता है उससे जो है रबर की प्राप्ति की जाती है। तो प्राकृतिक रबर के मामले में जो है भारत में केरल राज्य जो है सर्वप्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा पाएंगे आप काफी, काफी में जो है आप पाएंगे कर्नाटक और केरल राज्य जो है भारत में प्रमुख स्थान रखते हैं। भारत काफी का उत्पादन बहुत अधिक तो नहीं करता है, लेकिन जितना उत्पादन करता है उसका अधिकांश भाग विदेशों को बेच देता है और काफी मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में जो है आप देखेंगे तो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो इस प्रकार आप देखें तो इस लेसन में जो कृषि संसाधन है भारतीय कृषि से संबंधित था, इस लेसन में यही सारी चीजें थी जिनको हम सभी लोगों ने जानने का प्रयास किया। तो अब अगले दिन अगले लेसन के बारे में जो जानकारी होगी, सबसे पहले इस लेसन के बारे में नोट्स लिखवाए जाएंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।